दोस्तों, क्या आपका मोबाइल हैक है? आप कैसे पता कर सकते हो? गलती से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, ज़्यादातर एपी की फाइलें रहती है जो कि आपके मोबाइल में आपका डाटा को लीक कर सकती है, चोरी कर सकती है। आपकी बैंक की डिटेल, कोई भी पर्सनल फोटो, कोई भी चीज़ें, कोई भी जानकारी आपकी लीक हो रही है। कैसे पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल हैक है? कोई भी एप्लीकेशन के द्वारा इंस्टॉल्ड है जो कि आपको पता नहीं है, और उसके द्वारा धीरे धीरे आपका जो डाटा है वो चोरी होते जा रहा है। तो आपको कैसे पता करना है अपने मोबाइल से, आप पता कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सर्च बार है, इसमें एडमिन आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे एडमिन सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे सर्च करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पे ऐप है, ये ऐप वाला ऑप्शन है। आपको सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस एडमिन ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते से आपको ये डिवाइस एडमिन ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फाइंड माई डिवाइस। ये अगर आपके आपके सामने अगर यही आ रहा है तो समझ लेना कि आपका मोबाइल कोई भी हैक नहीं है। और अगर इसके सिवा कोई भी ऐप यहाँ पे शो कर रहा है तो समझ जाना कि उस ऐप के द्वारा आपका जो मोबाइल है वो हैक हुआ हुआ है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है उसके द्वारा यहाँ से लीक हो रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर उस टाइप का कोई है तो फिर क्या करना, उसको बैक जाके इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। वो इंस्टॉल हुआ रहेगा उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना और उसको हटा देना है। आपको ये करना है तो इससे आपका जो मोबाइल है वो हैक नहीं होगा। नहीं तो उसके द्वारा अगर यहाँ पर क्या होता है, जो पावर होता है एडमिन, एडमिन यानी आपका मोबाइल का पूरा पावर, तो एडमिन आपने अपने मोबाइल को दे रखा है। अगर इसके सिवा कोई और कोई इसको कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि वो इंस्टॉल हुआ हुआ रहेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दिखाएगा जैसे कि फाइंड माई डिवाइस है, ऐसे कैसे यहाँ पे उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या कर लेना, उसको अनइंस्टॉल करना है, ऐसे पूरा बैक जाके उस एप्लीकेशन को क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर देना है बस। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अगर इंस्टॉल करा हुआ है तो सोच लेना कि आपका मोबाइल हैक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।